बड़ी खबर श्रीनगर से है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को सरेआम लात मारी है, पीटा है। इस घटना की मोबाइल क्लिप बन गई है, अब इस पर हंगामा हो रहा है। गांदरबल में पार्टी के ही कार्यक्रम में पार्टी के दो गुटों में झड़प हुई थी। नसीर अहमद वानी, ये इनका नाम है जिन्होंने पिटाई की है। नसीर अहमद वानी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने दूसरे गुट के कार्यकर्ता को लात मार दी, सरेआम पीटा। ये पार्टी का एक कार्यक्रम था, दो गुट नारेबाजी कर रहे थे, एक मंत्री भाषण दे रहे थे वहां पर, लेकिन नसीर अहमद वानी साहब को इतना गुस्सा आया कि वो पार्टी मंच से नीचे उतरे और सीधे नाव देखा ना ताओ पार्टी दूसरे गुट के कार्यकर्ता को लातों से पीटना शुरू कर दिया। और ये इसका मोबाइल में किसी ने वीडियो बना लिया। उसके बाद नारेबाजी हुई वानी साहब के खिलाफ, जिसके बाद उनको वहां से जाना पड़ा। आसिफ कुरैशी एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, इतना गुस्सा कैसे आ गया वानी साहब को? देखिए अमन, यहाँ पे ये समझने की बात है कि ये कोई मामूली नेता नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है नासिर असलम वानी। कल की ये घटना है, कल गांदरबल में पार्टी का एक कन्वेंशन होना था जिसमें पार्टी की आखिरी जो चुनाव की सूची है कैंडिडेट की वो जारी करनी थी। और गांदरबल चूंकि उमर अब्दुल्ला का चुनाव क्षेत्र है, मुख्यमंत्री खुद यहाँ से विधायक हैं, तो इसीलिए खुद प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नासिर असलम वानी यहाँ पे पहुंचे थे कार्यकर्ताओं से ये बात करने के लिए कि क्या उमर अब्दुल्ला एक बार फिर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में ही एक स्थानीय कार्यकर्ता ने, यहाँ से काम करने वाले एक स्थानीय व्यक्ति इश्फाक के बारे में कहा था कि उनको मैंडेट दिया जाए मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव ना लड़े, जिसके बाद जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है नासिर असलम वानी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने उस कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा, लात मारी, जिसका ये वीडियो आज सामने आया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस पे किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार किया गया। हमने नासिर का फोन मिलाया था लेकिन उन्होंने अपना फोन नहीं उठाया, लेकिन मैंडेट को लेके ये घटना घटी है कल, जिससे साफ लग रहा है कि गांदरबल चुनाव क्षेत्र जो कि मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूरी पार्टी के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है और पार्टी कितनी झिलमिलाई है, ये बात इस वीडियो से साफ दिख रही है कि पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट अपने ही कार्यकर्ताओं पर लाते हैं और गुस्से मार रहे हैं और किस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पे ना उनका ट्रीटमेंट कर रही है पार्टी। जिस खासतौर पे ये वजह इससे भी है क्योंकि जो हाल में ही जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें पार्टी को काफी करारी मात यहाँ पे इस एरिया में पड़ी थी और इसीलिए ये माना जा रहा है कि शायद मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव ना लड़े। और उस बात को लेके जो गुटबंदी यहाँ पे हुई है कि मैंडेट किसको दिया जाए, उसका भी असर यहाँ इस पार्टी कन्वेंशन में देखने को मिला। अमन, ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, नासिर असलम वानी है ये शख्स जो नीले कोट में है और ये कश्मीर के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं। वहां पर आपा खो बैठे क्योंकि दो गुट नारेबाजी हो रही थी दो गुटों की तरफ से। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से फिर से चुनाव लड़े या ना लड़े, इस बात को लेकर हंगामा हुआ और नासिर असलम वानी अपना आपा खो बैठे, मंच से नीचे उतरे और जो दूसरे गुट के जो विरोधी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मांग की कि नहीं इनको नहीं किसी और को लड़ाया जाना चाहिए चुनाव, उन पर लातों से उन पर हमला किया। ये देखिए, नासिर असलम वानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं, उमर अब्दुल्ला को वहां से चुनाव लड़ाया जाए या फिर नहीं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं नासिर असलम वानी, और इसके बाद इनके खिलाफ भी नारेबाजी हुई जिसके बाद उन्हें वहां से जाना पड़ा।